अभी वर्तमान समय में डिनर ब्लाउज का बहुत ही ज्यादा क्रेज है, उसके बाद भी लोग गोल गले को पसंद करते हैं। गोल गला एक ऐसा गला है जो आमतौर पे सभी इस गले को पहनते हैं, और मोस्टली देखा जाए तो इसको 50% लोग आज भी गोल गला का ब्लाउज ही पहनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश देवांगन और मेरे यूट्यूब चैनल रानी टेलर एंड डिनर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, मैं देखता हूं जब मेरे पास में कोई नाप का ब्लाउज आता है तो उसका जो गला जो देखता हूं मैं, गोल गला भी रहता है लेकिन उसका जो शेप है वो सही तरीके से कटा हुआ रहता नहीं है। और आप लोगों ने भी देखा होगा, अगर कोई ब्लाउज पहना हुआ रहता है तो उसका जो गले का जो शेप होता है राउंड, वो परफेक्ट राउंड शेप नहीं रहता। तो दोस्तों, मैं आज अपने इस वीडियो में वही बताऊंगा कि हम क्या गलती करते हैं और हमको किस तरीके से गोल गले के ब्लाउज को कटिंग करना है। देखिए, मैं आप लोगों को गोल गले में एक नहीं, दो नहीं, पूरे चार गोल गले मैं काट के बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू और पूरा देखिए। साथ ही साथ आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप लोग मेरे वीडियो को पसंद करते हैं या मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। देखिए, गोल गला जो होता है ये बिल्कुल शोबर डिज़ाइन है। मतलब आम तौर पे जैसे मेरी भी दुकान में आज जैसे 30 से 35 ब्लाउज बनते हैं, तो ये मान के चलिए कि 20 ब्लाउज तो ऐसे रहेंगे जो गोल गले में ही बनते हैं, क्योंकि इसको चाहे वो यंग हो चाहे वो ओल्ड हो, गोल गला जो है वो हर किसी को पसंद है। तो देखिए, मैं आप लोगों को अब बताऊंगा कि किस तरीके से हमको ब्लाउज का गोल गला कटिंग करना है। देखिए, मैंने इसके जो डीप है उसको मैंने 10.5 इंच में काट रहा हूँ, यानी कि ये 10 इंच इसका डीप तैयार होगा, और जो गले का जो फैलाव है ये मैंने 2.5 इंच में रखा है। देखिए, ये जो तरीका जो मैं बता रहा हूँ आपको, आप इस तरीके से कितने भी गले का डीप हो या कितना भी गले का फैलाव हो, आप आराम से इस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं गले की। तो मैं सबसे पहले आपको देखिए क्या करना है, आपको ऐसा बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने से क्या होता है कि जो राउंड का जो शेप आता है वो स्ट्रेट आता है। उसके बाद क्या करना, देखिए ये जो कॉर्नर है यहाँ पर से हमें इसके लेके देखिए ऐसे आप एक सीधी लकीर ऐसा खींच लीजिए, ये देखिए ये कॉर्नर से बिल्कुल ऐसा एक सीधी लकीर खींच लीजिए। उसके बाद इसी कॉर्नर में आप ऐसा टेप रख लीजिए, ये देखिए मैं कॉर्नर में रखूँ टेप, और 1 इंच में ये 1 इंच में निशान लगा लीजिए। अब देखिए, आपको इसी 1 इंच में ही लाके यहाँ पर से इसको ऐसे लाके मिला लेना है, ये देखिए ये इस तरीके से आपको यहाँ पर लाके मिला लेना है। तो चलो मैं अब इसको कटिंग कर लेता हूँ। ये देखिए, ये प्रॉपर बिल्कुल राउंड शेप आया हुआ है। आपको इसी तरीके से कटिंग करना है, चाहे गले का डीप कितना भी हो। मैंने जैसे 10 इंच में डीप कटिंग किया है, आप 9 इंच में भी ये तरीका उपयोग कर सकते हैं, 10 इंच में भी कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं, 12 भी कर सकते हैं, 9 में भी कर सकते हैं, 8 में भी कर सकते हैं, 7 में भी कर सकते हैं। इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते ये है कि जिस तरीके से मैंने बताया है आपको उसी तरीके से ही कटिंग करना है। देखिए, मैं आपको इसमें 4 गले बताऊंगा, ये पहला है, और आपको मेरे को बताना है कमेंट्स में नीचे करके कि आपको कौन सा गोल गला अच्छा लगा, क्योंकि जब तक हम गोल गला प्रॉपर कटिंग नहीं करेंगे वो बनेगा कैसे, बनेगा भी फिनिशिंग से नहीं। तो इसीलिए हमको प्रॉपर इसको गोल कटिंग करना है। उसके बाद देखिए, फिर से आपको ऐसा स्केल यहाँ पर से रख लेना है और इसे भी ऐसा तिरछा ऐसा एक लाइन खींच लेंगे। उसके बाद मैंने इसके पहले मैं 1 इंच लिया था, अब इसमें मैं ले रहा हूँ 0.5 इंच। ये देखिए कहाँ पर से ला रहा हूँ 0.5 इंच, ये यहाँ पर से, यहाँ पर भी हमें ऐसा निशान लगा लेना है, अब इसे भी यहाँ से ऐसे मिलाते हुए लाके इसको यहाँ पर मिला लेना है। ये देखिए, अब इसे भी हम कट करके दिखाते हैं इसका शेप कैसा आया हुआ है। ये देखिए, ये भी बिल्कुल परफेक्ट राउंड शेप आया हुआ है। देखिए बिल्कुल इसका शेप देखिए कितना बेहतरीन आया हुआ है। ये आपका दूसरा गला हो गया गोल गला। अब मैं आपको तीसरा बताता हूँ कि तीसरा कैसे कटिंग करना है। तो देखिए, उसके लिए हमें क्या करना है, पहले तो हमें
टेप से इस यहाँ पर से एक इंच में हमको ऐसा निशान लगा लेना है। देखिए मैंने आपको बताया था कि ये 2.5 इंच है और ये भी 2.5 इंच है। अब यहाँ पर से मैं 1 इंच में ऐसा निशान लगा लूँगा। अब इसको ऊपर से यहाँ पर से यहाँ जहाँ 2.5 इंच है वो, और यहाँ पर इसको लाके ऐसा मिला लेना है। देखेंगे, ध्यान रखेंगे, मैंने इसको लिया 3.5 इंच और इसको लिया 2.5 इंच, ये 2.5 इंच और 1 इंच, यानी कि 3.5 इंच हो गया, और ऊपर मैंने लिया 2.5 इंच। अब इसको भी इधर से इसको लाके मिला लीजिए ऐसा। अब क्या करना है, इसे भी यहीं पर टेप रख के 1 इंच में ऐसा निशान लगा लेंगे। सॉरी मैं स्केल से निशाना भूल गया था, ये, और 1 इंच में हमने यहाँ पर ऐसा ले लिया है। अब इसे भी हमको यहाँ से ऐसा राउंड मिलाते हुए इसको लाके मिला लेना है। ये देखिए, इसे भी मैं कट कर लेता हूँ। ये देखिए, ये भी कितना बेहतरीन शेप आया है इसका भी। आप मुझे बताएंगे कि इन सभी गले में कौन सा गला आपको अच्छा लगा। तो ये 3रा नंबर का गला हो गया। अब देखिए, अब हम आते हैं 4थे नंबर के गोल गले में। देखिए दोस्तों, मैं जितनी डिटेल से आप लोगों को गोल गले के बारे में बता रहा हूँ, वो भी अलग अलग डिज़ाइन में, शायद ही आपने किसी और ही यूट्यूब चैनल में इस तरीके का गले का डिज़ाइन देखा होगा। तो देखिए, ये 2.5 इंच है, ये भी 2.5 इंच है। अब इधर भी हमको इस साइड में यहाँ से 1 इंच बढ़ा के, यानी कि इसको 3.5 इंच में लगाना है निशान। देखिए यहाँ से इसके 3.5 इंच की है दूरी। अब इसे भी हम ऊपर से मिला लेते हैं यहाँ पर से, इधर भी इसको सीधा कर लेंगे। ये 4था गला है। आपको बताना है कि आपको कौन से गले का शेप अच्छा लगा। अब इसे भी हम स्केल से यहाँ पर इस कॉर्नर से ऐसा तिरछा यहाँ पर ले लेंगे। ये हमें क्यों लेना है, जिससे कि ये पता चले कि इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ पर से बिल्कुल सेंटर में है। अब देखिए, मैंने इसमें 0.5 इंच में निशान लगा रहा हूँ इसको। इसके पहले मैंने 1 इंच में लगाया था। अब इसे भी यहाँ पर से हमको लाके ऐसा मिला लेना है। ये देखिए, अब इसे भी हम कट कर लेते हैं। देखिए, ये भी गोल गले का एक अलग शेप हो गया। मैंने आपको टोटल 4 आपको अलग अलग गोल शेप दिखाया है। आप इस तरीके से अगर गोल गले की कटिंग करेंगे तो पहनने के बाद इसका जो लुक है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आएगा। कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कि इसका जो वहाँ शेप रहता है वो अंदर से वो एकदम दबा हुआ रहता है, वैसा नहीं। आपके पास में अगर कोई कस्टमर आता है और वो ये बोलता है कि हमें गोल गला बनाना है, तो आप इन 4 वैरायटी को दिखा सकते हो कि इसमें से कौन सा गला आपको बनवाना है। मैं बता रहा हूँ, अगर आप इस टाइप की वैरायटी अपने बुटीक में या अपने टेलरिंग शॉप में कस्टमर को बताएंगे तो कस्टमर को बहुत अच्छा लगेगा कि भाई इनके पास में हर गले की अलग अलग वैरायटी रहती है, और पहनने के बाद तो पूछे मत, आपकी तारीफ करेंगे। और होता क्या है, कोई कस्टमर अगर आपका मौत पब्लिसिटी करता है, यानी कि गले का शेप डिज़ाइन के बारे में कि अच्छा बनाते हैं वो, तो आपका जो बुटीक है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो करेगा, बहुत ही ज़्यादा रन करेगा। तो देखिए, मैंने अभी गोल गले के 4 अलग अलग शेप बताए हैं। मैं आपको अपने आने वाले वीडियो में और भी जो गले होते हैं जो नॉर्मली अपन एक ही शेप में जानते हैं, वो अलग अलग शेप में बताऊंगा उसकी कटिंग कैसे करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो नीचे लाइक का बटन दबा दीजिए, साथ ही साथ ये वीडियो शेयर करें। तो मिलते हैं अपने किसी ऐसी ही वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।